नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन सर की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के 13 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और साथ ही साथ जानने वाले हैं इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन न्यूज मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सुपरस्टार अजय देवगन की जिस फिल्म का इंतजार उनके फैंस काफी बेसब्री से कर रहे थे, उसे 10 जनवरी के दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है। बताते चले दोस्तों आपको कि यह फिल्म भारत के वीर मराठा तानाजी मालुसरे के ऊपर बनाई गई फिल्म है, और इस फिल्म के लीड में आपको अजय देवगन के अलावा सैफ अली खान, काजोल और शरद केलकर नजर आए हैं। दोस्तों बताते चले आपको कि काफी शानदार स्टोरी और बेहतरीन एक्शन सिक्वेंस से भरी हुई ये फिल्म इंडियन ऑडियंस को बेहद पसंद आई। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन से इंडिया में कई सारे रिकॉर्ड बनाए और कमाए 15 करोड़ 10 लाख रुपए, जो कि अजय देवगन सर के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छी रेटिंग्स दी और अजय देवगन के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बता। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 3 ही दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 62 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई की। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग इस फिल्म के फर्स्ट वीक के टोटल कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3,880 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, जिसमें यह फिल्म हिंदी और मराठी में रिलीज हुई थी। महाराष्ट्र में दोस्तों इस फिल्म को लेकर काफी अच्छा बज़ देखने को मिला, जहां यह फिल्म अपने पहले ही दिन से हाउसफुल चल रही है और बाहुबली 2 जैसी बड़ी फिल्म के रिकॉर्ड को इस फिल्म ने महाराष्ट्र में तोड़ दिया है। साथ ही में दोस्तों इस फिल्म को अपने दूसरे दिन के बाद से ही नॉर्थ इंडिया में भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। यही वजह रही कि इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल 118 करोड़ 91 लाख रुपए की कमाई की, जिसमें दोस्तों ये फिल्म सिर्फ महाराष्ट्र में 80 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही। अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के सेकेंड वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 3 से 4 नई फिल्में रिलीज हुई। उसके बावजूद भी अजय देवगन सर की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी प्यार मिला, और दोस्तों इस फिल्म ने अपने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 10 करोड़ 6 लाख रुपए, जो कि दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में सेकंड फ्राइडे का 10वां सबसे बड़ा कलेक्शन है। बात करें इस फिल्म के हम लोग 9वें दिन की, तो दोस्तों 9वें दिन भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 60% की ग्रोथ दिखाई और कमाए 16 करोड़ 36 लाख रुपए, जो कि इंडियन हिस्ट्री में सेकंड सैटरडे का 5वां सबसे बड़ा कलेक्शन है। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने 10वें दिन तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और कमाए 22 करोड़ 12 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों यह फिल्म आमिर खान की फिल्म पीके, सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है और अक्षय कुमार के सभी फिल्मों के 10वें दिन के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी थी और बॉक्स ऑफिस पर लगभग 168 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी थी। बात की जाए यहाँ पर अब विगडेज के कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म मुंबई सर्किट में बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है। इस फिल्म का दोस्तों 11वें दिन का जो कलेक्शन रहा वो रहा 8 करोड़ 17 लाख रुपए का, जिसमें दोस्तों मुंबई से ही इस फिल्म ने अपने 11वें दिन लगभग 3.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। वही दोस्तों इस फिल्म का जो 12वें दिन का कलेक्शन रहा वो भी काफी शानदार रहा, और 12वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए हैं, जिसमें दोस्तों मुंबई से इस फिल्म ने कमाए हैं लगभग 3 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों ये फिल्म मुंबई एरिया से यानी कि महाराष्ट्र स्टेट से अभी तक 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड है। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन था वो अपने 12 दिनों का लगभग 183 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका था, और इसी के साथ अजय देवगन सर की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बाजीराव मस्तानी, सलमान खान की फिल्म रेस 3 और भारत को भी पीछे करने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म 1 या 2 ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार करने वाली है। अगर बात की जाए यहाँ पर आज इस फिल्म के 13वें दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो रही है 1 करोड़ 80 लाख रुपए की। मॉर्निंग में दोस्तों इस फिल्म को ऑक्यूपेंसी हासिल हुई है 25 से 30% की, जिसमें दोस्तों ये फिल्म महाराष्ट्र में आज भी हाउसफुल चल रही है। यूपी, हरियाणा और एमपी में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में थोड़ी सी ड्रॉप देखी गई
आई है। हालांकि दोस्तों आज वहां पर भी ये फिल्म लगभग 3-4 करोड़ रुपए कमा सकती है और महाराष्ट्र एरिया से दोस्तों ये फिल्म लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए कमा सकती है। इसी के साथ इस फिल्म का जो आज का कलेक्शन है यानी कि अपने 13वें दिन का वो भी लगभग 7.5 करोड़ रुपए का आ रहा है और इस तरह से ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 13 ही दिनों में 190 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी। वही अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों बता दें आपको कि ओवरसीज में इस फिल्म ने अभी तक लगभग 28 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वही ऑल इंडिया ग्रॉस पर तो दोस्तों ये फिल्म 200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अभी तक का इस फिल्म का जो ऑल इंडिया ग्रॉस का कलेक्शन है वो हो चुका है लगभग 224 करोड़ रुपए का। इस तरह से अजय देवगन सर की ये फिल्म उनके कैरियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 252 करोड़ की कमाई करके एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। अब देखना दोस्तों ये होगा कि इस फिल्म का जो लाइफ टाइम है वो कितना होगा, 350 करोड़ का, 400 करोड़ का या फिर 450 करोड़ का। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।